लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पन्ना, मुझे यकीन था तुम मेरा इंतजार करोगी। तुम तो हो ही मेरी अपनी। वो देखो, आतिशबाजी शुरू हो गई। जी हाँ, अब राम और रावण में लड़ाई होगी। देखो, राम जी ने अग्नि बाण छोड़ा और दुष्ट रावण जलने लगा। इधर भी देखो, मैं भी जल रहा हूं तुम्हारी मोहब्बत की आग में। तुम्हारी जबान क्यों नहीं जल जाती ऐसी गंदी बातें करते? जानते हो रावण कौन था? नीच। नीच? नीच नहीं, प्रेमी। प्रेमी रावण, प्रेमी रावण, जिसने सीता के प्रेम में अपना सब कुछ नाश करा दिया, खुद भी जल मरा, लेकिन जीते जी सीता को नहीं छोड़ा, पर नहीं छोड़ा। आओ, मैं हूं तुम्हारा रावण और तुम हो मेरी सीता। हट परे, नीच, कमीने, चल दो। मेरी सीता आप कहां चली हो? हे भगवान, मेरी आंखें। बाबूजी, तुम्हारे पास दिया सलाई तो होगी, जरा मेरा दिया जला दो। बाबूजी, सो रहे हो क्या? सपना देख रहा था, औरों के सपने तो आंखें खुलने पर खत्म हो जाते हैं, मेरा सपना आंखें बंद होते ही खत्म हो गया। पहले मेरा दिया जला दो, फिर जी भर के बातें कर देना। लड़की, तू कौन है? इधर आ। हाँ, तो क्या तुम भी मेरे बाबा की त्रांडे हो? चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं, कहो तो घर छोड़ाऊं। तुम्हारा घर कहाँ है? बाबूजी, गरीबों का भी कहीं घर होता है। तो रहती कहाँ हो तुम? यहीं, इसी पेड़ के नीचे। क्या मैं भी यहाँ रह सकता हूँ? यहाँ हम
गरीबों के पास। बाबूजी, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं? तुम्हारी बीबी है ना? है तो सही, मगर मुझसे नाराज है। नाराज है तो चल के मना लो। चलो मैं ले चलती हूँ। आप उठो। अब किस मुंह से उसके सामने जाऊं? मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं, अंधे कभी बुरे नहीं होते। मेरे बाबा जी को देखो, इतने अच्छे हैं कि तुमसे क्या कहूँ। जब कभी मेरी माँ उनसे रुझ जाती, मेरे बाबा उसे घर से मना लेते। अब कहाँ है तुम्हारी माँ? वो तो कब की चली भी गई गंगा मैया से मिलने। जब कोई बहुत बीमार हो जाता है ना, उसे गंगा मैया अपने पास बुला लेती। अच्छी लड़की, हम कहाँ पहुँचे? यह है भागश्याम बाबू का घर। बस यही छोड़ दो मुझे। क्या यही है तुम्हारा ठिकाना? हाँ। जाते ही मना लेना अपनी बीबी को, मैं सुबह आकर पूछ लूंगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं जाती हूँ, कल आऊंगी। जरूर आना। कौन है? मैं हूँ राम बाबू। क्या मुँह लेकर आए हो यहाँ? अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अपना भला चाहते हो तो चुपके से लौट जाओ। सुना नहीं? मैंने कहा लौट जाओ, फिर कहाँ चले? मीना के पास। वो तुम्हारी सूरत से बेजार हैं, उन्हीं का हुक्म है तुम्हें अंदर ना आने दिया जाए। उन्हीं का हुक्म है मुझे अंदर ना आने दिया जाए? हाँ हाँ, चले जाओ यहां से। अंधे हो या शराब पी रखी है? ये रहा दरवाजा। बाबूजी, बाबूजी, राम बाबू इसी घर में रहते हैं ना? कोई नहीं यहाँ राम बाबू काम बाबू, चल जा। तू झूठ बोलता है, वो जरूर इस घर में है। राम बाबू, मैं ही तो छोड़ गई थी यहाँ, वरना आपने आप कैसे आ जाते वो बेचारे अंधे? अंधे राम बाबू? क्या कहा, वो अंधे हो गए क्या? सचमुच उनकी आंखें? जैसे तुमको पता ही नहीं, वो सच कहते थे तुम इससे नाराज हो। बेचारे रो रहे थे तुम्हारे लिए। क्यों मंगल, वो आए थे यहाँ? जी हाँ, और मैंने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। धक्के मारकर बाहर निकाल दिया? जी हाँ। देखा नहीं कि वो अंधे हैं? मीना, पिताजी कुछ सुना आपने? हाँ हाँ, सब कुछ सुन लिया। अब के उस बहरूपी ने अंधे का स्वांग लिया है, होंगी कहीं का। ऐसे बेदर्द न बनिए पिताजी। लड़की मेरे साथ आ, बता तुझे कहाँ मिले थी? रात ही रात में तुझे क्या हो गया मीना? मैं कहता हूँ खाने दे ठोकरे उस कमीने को जिसने तेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। ज़बान रोकिए पिताजी, आखिर वो मेरे पति हैं, आपके जवाई हैं। मैं उसका जंजाल नहीं पालना चाहता, मेरे लिए उसका न होना ही अच्छा। क्यों पत्थर पर मोती पटक रही हो? जो हमारी इज्जत की हंसी उड़ाए उसके लिए रोना कहाँ की अक्लमंदी है? होश में आओ मीना। आप क्या जाने, अंधों के दुख दर्द को कुछ मेरा दिल ही जानता है। भूल न जाइए कि राम बाबू ने आपकी इकलौती बेटी को आंखों का उजाला दान दिया था। आप चाहे उनसे आंखें फेर लें, मेरी आंखें उन्हें ढूंढ कर रहेंगी। फेरो मीना, कहाँ चली हो? अपने स्वामी को ढूंढने, उनकी सेवा करने। एक ढोंगी बदमाश की सेवा करने, अपने बूढ़े बाप से मुंह मोड़कर? मेरे नजदीक बूढ़े बाप की खिदमत से अंधे पति की सेवा ज्यादा जरूरी है। मुझे यहाँ मिले थे रात को। यहाँ तो कहीं नहीं, फिर कहा? Thank you.
मीना मेरे पास न आना, मुझे न छूना, ये पापी अंधा तुम्हारे योग नहीं। अच्छा हुआ कि ये गुनहगार आंखें बंद हो गई, ये भयानक आग हमेशा के लिए बुझ गई। आप आंखों को गलत समझे, इनमें मोहब्बत और आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं। आंखें क्या, आंसुओं के दरिया में मोहब्बत की दो किश्तियां जो डूबते हुए दिलों को पार लगाती हैं। ज्यादा बहस बेकार है मीना, मुझे मेरे रहम पर छोड़ दो, तुम जाओ। आपको साथ लिए बिना कभी न जाऊंगी। मेरे साथ तुमने हमेशा दुख उठाया है, अभी संधेपन से और दुखी होना चाहती हो। एक पत्नी का दुख सुख तो उसके पति के दुख सुख से गुथा रहता है स्वामी, बुरे वक्त में तो पति पत्नी ही एक दूसरे के काम आते हैं। नाथ उठिए, देर न कीजिए, आपकी आंखों का इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं, आंखों से तो छुटकारा नसीब हुआ, अब तुम्हारा बंधन बाकी है। तुम भी मुझे आजाद कर दो मीना, परमात्मा की शरण लेने दो, धर्म के रास्ते पर चलने दो। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए धर्म से हटना, दूसरों की आजादी छीनकर खुद आजाद होना, ये कहाँ का धर्म है? मैं तुम्हें भी हर तरह से आजाद करता हूँ, जाओ, आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म हुआ। खत्म हुआ? पति पत्नी का संबंध कोई नाटक नहीं कि पर्दा गिरा और खत्म हो गया। घर गृहस्थी कोई बच्चों का खेल नहीं कि पल में जोग रमा बैठी, पल में ब्याह रचा बैठी। आप जब तक भले चंगे थे दुनिया भर के लुत्फ उठाया किए, अब आंखों से लाचार हुए तो फर्ज से आंख चुरा कर आ गए परमात्मा की शरण लेने। अपने हक में तो मन मांगा फैसला कर दिया, मगर बेचारी पत्नी के लिए ये न सोचा कि जिसे जीवन साथी मानकर पल्ले बांधा वो क्या करे। बताइए योगेश्वर तपस्वी साधु महाराज, वो बेचारी क्या करे? सुहाग को शोक से बदल दे, मांग में राख डाले, जहर खा ले, जल जाए, डूब मरे, या पर पुरुषों के साथ गुलछरे उड़ाए, अपनी जवानी को कहनी कुत्तों पर भेंट चढ़ाए। बस बस मीना, भगवान के लिए बस। जवाब दो, ये सिर्फ मैं ही नहीं पूछती बल्कि मेरे शास्त्री जाति समाज देव देवता भगवान सभी पूछते हैं कि वह औरत बेचारी क्या करे। क्षमा कर दो मीना, तुम जो चाहो मुझे मंजूर है। और ये आंखें ठीक होंगी तो क्यों कर। उस दवा से, जिस दवा से आपने मेरी आंखें रोशन की थी, वो दवा न जाने अब कहाँ है। मुझे पता है, मुझे याद है, मैं ढूंढ लाऊंगी आन की आन में अभी। मीना, 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 किस्मत फूट गई नाथ, जालिम जमीन ने उम्मीद की आखिरी बूंदे भी हमसे छीन ली। क्या इसकी प्यास बुझाने को दुनिया भर के समंदरों का पानी कुछ कम था? ये हमसे किन पापों का बदला ले रहे हो प्रभु? हम पापी सही, लेकिन तुम भी तो पापियों पर दया करने से दयालु कहलाते हो। दीनानाथ, तुमसे तो दुखिया का दुख देखा नहीं जाता, उसकी जरा सी उफ तुम्हें बेचैन कर देती है, फिर मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? तुम सुनोगे, तुम्हें सुननी पड़ेगी, मैं सुना कर रहूंगी, अपनी जबान से नहीं तुम्हारी जबान से। इस तरह बजाए जाओ मीना, बजाए जाओ, मेरी आंख पर करवट ले रही है, इसे जगा दो।
और बचाओ, जोर से नाम पूछे तो। ये है आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाली तो आत्मा की आवाज, परमात्मा की राग वाला, छोटे हुओं को जगाने वाली, जब पे प्रकाश फैलाने वाली। इधर कौन बजा रहा है? और कौन बजा रहा है? आंखों की मैल भी निकल जाने दो। मैं देखने लगा, देखो मीना, मैं तुम्हें देखने लगा। भगवान, मीना, प्रभु ने तुम्हारी पुकार सुन ली। वो सबकी सुनता है, धन्य धन्य भगवान। हम मांग मांग थक जाएं, वो दे दे कर नहीं थकता।